सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों डाइटिशियन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्मार्ट किचन प्रोडक्ट और हेल्दी रेसिपीज के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्मार्ट किचन सीरीज। तो जो प्रोडक्ट आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो है डिश वॉशर, जिसमें कि हम बर्तनों को साफ करते हैं। इस प्रोडक्ट को सबसे पहले मैंने यूज किया था फिनलैंड में, और यूज करने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब भी मैं वापस इंडिया जाऊंगी इस प्रोडक्ट को जरूर खरीदूंगी। आई नो इंडिया में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हाउस हेल्प है वो बहुत इजीली अवेलेबल है और अफोर्डेबल भी है। फिर भी मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इस मशीन में जब बर्तनों की धुलाई होती है बहुत ही क्लीन होती है और बहुत ही हाइजीनिक होती है, और आपकी जो मेड के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इस प्रोडक्ट को। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी कांता बाई, मेरा डिशवॉशर। तो मेरे पास जो डिशवॉशर है वो है IFB का नेपट्यून VX। इसके अलावा इसमें और भी मॉडल्स आते हैं, और इंडिया में IFB के अलावा और भी ब्रांड्स हैं जिसमें कि डिशवॉशर आते हैं, जैसे कि सीमेंस है, फिलिप्स है और बॉश। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन होती है आप उसको फिक्स कर देते हैं, तो ऐसे ही आप इसको इजिली अपनी किचन में फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उसको खोल कर दिखाती हूँ। तो ये है इसका अंदर से, यहाँ पर इन्होंने दो स्टैंड दिए हैं, एक है लोअर स्टैंड और एक है अपर स्टैंड। तो आप अपर स्टैंड जो है यहाँ पर आप जो आपकी बाउल्स होती हैं, कप्स होते हैं, बड़ी बड़े छोटे भिगोने और बड़ी बड़ी बाउल्स होती हैं, वो आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने दो स्टैंड दिए हैं, जैसे कि ये वाला स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे छोटी छोटी बाउल होती हैं, कांच की होती है या फिर स्टील की होती हैं, आप यहाँ पर इस पर रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और स्टैंड दिया है, तो आप इसको मूवेबल है, इधर भी कर सकते हैं उधर भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्पून्स वगैरह जो भी होती हैं आपकी आ जाएंगी आराम से। तो इस साइड भी सेम इन्होंने सेम फीचर दिया है। तो स्पेस वाइज देखा जाए तो इसमें काफ़ी स्पेस होता है और आपके जो बर्तन है इसमें काफ़ी आ जाएंगे आराम से। अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे ये जो एरिया है ये प्लेट्स के लिए है। तो जैसे एक साइड आप छोटी प्लेट्स रख सकते हैं या इस साइड आप बड़ी प्लेट्स रख सकते हैं। और पीछे का जो एरिया है यहाँ पर मोस्टली जैसे आपके बड़े बर्तन होते हैं, कुकर होता है, भिगोना होता है, आप यहाँ पर इसको ईजिली रख सकते हैं। और अगर कुकर के अलावा आपके पास प्लेट्स ज़्यादा हो रही हैं तो आप ये वाला जो स्टैंड है ये इसको खोल सकते हैं, और इसमें आगे के अलावा पीछे भी आप प्लेट्स अगर ज़्यादा हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं ईजिली। और आप यहाँ पर देख रहे हैं एक और स्टैंड यहाँ पर इन्होंने दिया है, यहाँ पर जैसे कि आपकी बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं तो आप इसको उल्टा करके रखेंगे तो इसमें वो आराम से फिक्स हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो उसके स्टैंड है इनको बाहर करना और अंदर करना बहुत ही इजी है। ये देखिए, इसमें कुछ भी आपको जोर नहीं लगाना पड़ता है, आप आराम से इसमें बर्तन रखिए, उसको पुश करिए, और आपको उसको खींचना है तो उसको आप पुल कर लीजिए। तो देखा, इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं इसके बॉक्स की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एक बॉक्स दिया है जो कि मूवेबल है। तो ये जो बॉक्स है इस बेसिकली जो यूज़ होता है वो स्पून्स के लिए होता है और फॉक के लिए होता है। जैसे फॉक के अलावा आप जैसे नाइफ हैं आप इसमें रख सकते हैं और उसको बंद कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा स्पून्स नहीं है तो आप इसको हटाकर यहाँ पर कोई बड़ा बर्तन रखकर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं इसके अंदर की तरफ। अंदर आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ दो वाटर जेट दिए हैं, जो कि वाटर को स्पिन करते हैं और वाटर का प्रेशर आपके बर्तनों के ऊपर डलता है और जिससे कि आपके बर्तन क्लीन होते हैं। इसमें ठंडा और गर्म दोनों तरह का पानी आता है, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वाटर है वो यहाँ पर बहुत ही कम यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा आपका वाटर वेस्ट नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक बॉक्स और दिया है, ये है सॉल्ट। इसमें हम सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट हम इसलिए डालते हैं जो हमारा हार्ड वाटर है होता है उसको सॉफ्ट करने के काम आता है। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर एग्जिट के लिए इन्होंने स्पेस दिया है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने नेट भी दी है। बाई चांस अगर आपकी कोई भी गंदगी होती है बर्तन में वो यहाँ पर इसमें आ जाएगी और आपकी जो नाली है वो चौक भी नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं इसके डिटर्जेंट बॉक्स की तरफ। यहाँ पर इन्होंने इसको जो बॉक्स दिया है, तो यहाँ पर हमें एक स्पून या डेढ़ स्पून डिटर्जेंट डालना होता है, डिपेंड करता है आपके बर्तन की क्वांटिटी के ऊपर। आजकल डिटर्जेंट के अलावा टैबलेट्स भी आ रही हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बॉक्स यहाँ पर और दिया है जिसमें कि रिंस लिक्विड होता है वो डलता है, जिससे कि हमारे बर्तनों में शाइनिंग आती है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरह का रिंस है और किस तरह का डिटर्जेंट और टैबलेट यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका अंदर का पार्ट। अब मैं आपको इसका बाहर की तरफ जो फंक्शंस हैं वो आपको दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स ये है हमारा कंट्रोल पैनल, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये आपका ऑन और ऑफ स्विच, इसको प्रेस करने पर ये ऑन हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा हाइजीनिक टैबलेट और हाफ लोड के फंक्शंस दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं हम प्रोग्रामिंग पर। तो फ्रेंड्स ये है इसके वॉश प्रोग्राम, यहाँ पर इन्होंने 8 प्रकार के वॉश प्रोग्राम्स दिए हैं, जैसे कि प्री वॉश है, क्विक वॉश है, इको वॉश है, सुपर वॉश है, डेली वॉश है, ऑटो डेलिकेट वॉश है, ऑटो नॉर्मल वॉश है और ऑटो इंटेंसिव वॉश है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोग्राम चूज करना है आपके बर्तनों के ऊपर। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका प्रोसेस है, फुल वॉश, रिंस, ड्राई और एंड। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, आप ये दो साइन देख रहे हैं, तो ये जो इंडिकेशन दिए हैं, जैसे कि अगर आपका सॉल्ट खत्म हो जाता है तो यहाँ पर इंडिकेशन आ जाएगा, तो आपको सॉल्ट डालना है। और ये है रिंस के लिए, जब आपका रिंस खत्म हो जाता है तो यहाँ पर इंडिकेशन आ जाता है। अब आते हैं इसके स्टार्ट और पॉज पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये स्टार्ट बटन है, अगर आपको बीच में इसको खोलना है या पॉज करना है तो आप इसको प्रेस कर देंगे, ये चल जाएगा। और अगर आपको इसको बीच में पॉज करना है तो ये ऐसे पॉज हो जाएगा। तो ये था इसका कंट्रोल पैनल। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें यूज होने वाले डिटर्जेंट। तो फ्रेंड्स ये हैं आपके डिटर्जेंट जो कि हमें यूज करने हैं, देखकर घबराइए मत कि बहुत सारे हैं, वो भी आपको मैं बताती हूँ। ये जो है ये प्रोडक्ट है, ये है IFBB के प्रोडक्ट। तो जो मेन डिटर्जेंट है वो है ये, जो आपको डेली में यूज करना है वो है ये। तो ये 1 चम्मच से 1.5 चम्मच डलता है। इसके बाद आते हैं इसके सॉल्ट पर, जो सॉल्ट है वो फ्रेंड्स मंथ में एक बार डलता है, आपको डेली डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इंडिकेशन दिखाया था, वहाँ पर इंडिकेशन आ जाएगा तभी आप इसको डालेंगे। उसके बाद आते हैं रिंस पर, रिंस भी हमें डेली यूज़ नहीं करना होता है, ये 10 to 12 days में आपको एक बार डालना होता है। तो इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिटर्जेंट के अलावा आप टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये टैबलेट बॉक्स है, तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ टैबलेट निकालकर। तो ये इस तरह की टैबलेट आती है इसमें, तो आप डिटर्जेंट के अलावा टैबलेट इसमें डाल सकते हैं, इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, देखिए। तो फ्रेंड्स इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने दिया है अप्लायंसेस डी स्केलर, ये जो काम आता है वो जैसे कि आपकी डिशवॉशर है उसमें किसी भी तरह की स्केलिंग या गंदगी जम जाती है उसको क्लीन करने के काम आता है। तो ये जो हम यूज़ करते हैं वो 2 से 3 महीने में एक बार हमको यूज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स IFBB के अलावा यहाँ मैं आपको और प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो कि आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या शॉप से भी खरीद सकते हैं, जैसे कि ऑटोमिक कंपनी है, इसके प्रोडक्ट आते हैं, इसके भी जैसे रिंस है, यहाँ पर इसका डिटर्जेंट भी होता है और सॉल्ट भी होता है। इसके अलावा फिनिश है, ये फिनिश सॉल्ट आप देख रहे हैं, तो इनका पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। फिनिश की टैबलेट भी आती हैं जो कि इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये था इसका डिटर्जेंट पार्ट। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ बर्तन इसमें कैसे वॉश होते हैं। बाहर निकाल लेती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेट्स लगा रही हूँ, ये कुछ बड़े साइज के प्लेट्स हैं जो कि मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। फ्रेंड्स इसको यूज करना बहुत ही आसान है और आपकी जो किचन है वो हमेशा क्लीन भी रहेगी, आपकी जो सिंक है वो हमेशा बर्तनों से फ्री रहेगी। तो जैसे ही आपके बर्तन होते हैं आप डायरेक्टली इसमें लगाकर छोड़ सकते हैं, और जब ये पूरा भर जाए तो आप इसको चला सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर स्पून, फोर्क और नाइफ वगैरह सब इसमें डाल रही हूँ, जैसे कि चाय की स्टेनर है इसको भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको ओपन कर देती हूँ, ये देखिए मैं भिगोना यहाँ पर डाल रही हूँ। आप एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा कुछ अगर जैसे राइस है या कुछ भी है तो आपको एक बार इसको पानी में निकालना होता है, अगर आपका यहाँ पे कुछ भी राइस या बहुत मोटा सब्जी वगैरह रह जाती है तो उसमें फंस सकती है। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, आप जैसे आपके स्टील के बर्तन होते हैं, कांच के बर्तन होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, हर तरह के बर्तन इसमें यूज कर सकते हैं। केवल जैसे लोहे का बर्तन है, लोहे की कढ़ाई है, लोहे का तवा है, वो इसमें वॉश नहीं होता है, अदरवाइज आप हर तरह का बर्तन इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो डिशवॉशर है वो फुल्ली लोडेड हो चुका है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ कितने सारे बर्तन आ गए हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था बॉटल, तो इस तरह से कोई भी बॉटल है आप इसमें डाल सकते हैं। और आप ऊपर की तरफ भी देखिए बर्तन जैसे कटोरी है, ग्लासेस हैं, कड़छी हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जैसे थोड़ा थोड़ा जो भी स्पेस है हर तरह से आप यहाँ पर इसमें सेट कर सकते हैं।
आप देख सकते चिमटा है इधर, मैंने करछी रखी हुई है, तो स्पेस वाइज आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मैंने जब बर्तन इसमें लगाए थे तो एक बार रनिंग वाटर में आपको पानी में निकालना होता है, उसके बाद ही इसमें लगाना होता है। तो स्पेस वाइज देखा जाए तो बहुत सारे बर्तन आप देख सकते हैं इसमें आ गए हैं। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ उसमें कैसे मैं यूज़ करूँगी डिटर्जेंट। तो सबसे पहले मैं आपको टैबलेट डालकर दिखा देती हूँ। तो ये जैसे टैबलेट है इसका हम ये रैपर है ये निकाल लेंगे और हमें इसको ऐसे सिंपल डालना है और यहाँ से इसको बंद कर देना है। तो अगर आपके पास टैबलेट नहीं है तो आप इसको यहाँ से दबाइए और निकालिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ टैबलेट के अलावा डिटर्जेंट हमें कैसे इसमें डालना है। तो अगर आपके पास टैबलेट नहीं है तो आप डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ये एक स्पून देते हैं ऑलरेडी। तो ये जो स्पून है आप देखिए, जैसे कि मेरा इतना, मैंने आपको दिखाया बर्तन का लोटे, तो इतना पाउडर इसमें काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। तो हम पाउडर लेंगे इसमें डालेंगे और देखिए मैंने थोड़ा और बचा ही लिया है इसको। तो आप देख सकते हैं कितना कम इसमें डिटर्जेंट डलता है। तो अब मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँगी। तो मैं अब आपको रिंस डालकर दिखाती हूँ। रिंस हमें डेली डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 10-12 डेज में एक बार डालना होता है। तो इसको हम ओपन करेंगे और सिंपल ये जो होल है यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे। तो एक बार में जो डलता है वो हाफ बॉटल के करीब डल जाता है। तो देखिए आप ऊपर देख सकते हैं थोड़ा लिक्विड आ गया, तो यानी कि फुल हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देंगे। ऐसे ही इसके अलावा सॉल्ट भी हमें मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ डाल के कि कैसे डालना होता है, क्योंकि मेरा इंडिकेटर भी आया हुआ है सॉल्ट डालने के लिए। और ये आप देखेंगे सॉल्ट है, ये महीने में एक ही बार डलता है, इसको आपको डेली डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह का ये सॉल्ट होता है। तो अब मैं इसको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा बॉक्स मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको निकाल के इसका जो लिड है हम इसको लगा देंगे। तो ये हमारा एक महीने के लिए सॉल्ट इसमें डल चुका है। तो देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो बॉक्स है इसका प्राइस है 140 और रिंस का जो प्राइस है वो 130 है और जो मेन डिटर्जेंट है वो 320 की रेंज में आता है। तो देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पर अपना फंक्शन चूज करूंगी। मेरा ये डेली 60 डिग्री सेल्सियस पे मैं अपना जो बर्तन है उसको वॉश करती हूँ। तो देखिए मैंने इसको फंक्शन को चूज कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 hour 34 मिनट के लिए चलेगा। अब मैं इसको यहाँ पर दबा देती हूँ। तो ये आप देखिए हमारी जो डिश वॉशर है वो स्टार्ट हो चुका है। एक फ्रेंड्स एक बात और, जो ये 134 मिनट है इस पे इसका जो पूरा प्रोसेस है, तो फर्स्ट ये पहले इसमें हमारे बर्तन वॉश होते हैं। सबसे पहले सिंपल पानी से वॉश करेगा, फिर उसके बाद ये गर्म पानी से इसको वॉश करेगा, फिर जो उसका डिटर्जेंट बॉक्स है वो ओपन होता है, देन वो जो डिटर्जेंट है वो सब बर्तनों के ऊपर अप्लाई होता है, देन फिर से वाटर स्प्रेड होता है एक बार ठंडे पानी से एक बार गर्म पानी से। उसके बाद इसमें स्टीम दी जाती है, एक हीटर है इसके अंदर जो कि आपके बर्तन जो होते हैं उनको स्टीम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हाइजीनिक है, तो ये इसका फंक्शन है। तो ये 1 hour 34 मिनट वॉश रिंस ड्राई सबको मिलाकर इसका प्रोग्रामिंग है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको चलते हुए ऑलमोस्ट 1 hour हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वॉश हो चुका है, ये रिंस के मोड पे है। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको खोल कर दिखा देती हूँ उसका। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि हीट भी आ रही है, तो ये गर्म पानी से स्टेम रिंस हो रहा है और ऑलमोस्ट हमारे बर्तन दुख वॉश हो चुके हैं। तो अब इसको फिर से चला देते हैं, बस 34 मिनट और चलेगा और हमारे जो बर्तन है वो एकदम बढ़िया धुलकर क्लीन हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो इसका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसको एक बार खोल कर दिखाती हूँ। तो देखिए एकदम से इसमें से गर्म गर्म हीट आ रही है और आप देख सकते हैं बर्तन जो है एकदम
क्लीन हो चुके हैं। नीचे का भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए आप, एक बार आपको प्लेट भी दिखा सकती हूँ। देखिए एकदम क्या शाइनिंग मार रही है और बहुत ही गर्म है पकड़ने में भी एकदम। और सिंगा भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है इसकी बर्तनों की जो क्लीनिंग होती है वो बहुत ही हाइजीनिक होती है। जो कोई भी मेड आपकी कितनी भी कोशिश कर ले इसको हाइजीनिक नहीं कर सकती है। तो ये था डिश वॉशर का पूरा वीडियो जो कि मैंने आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा प्रोसेस दिखाया है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज की प्रोडक्ट का वीडियो। अगर इस वीडियो को देखकर आपका डिश वॉशर लेने का मन कर रहा है तो आप इस प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट की सारी जानकारी अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है। अगर इसके अलावा आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस और डाली हैं जो कि अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो देख सकते हैं, जो कि स्मार्ट किचन प्रोडक्ट के बारे में है। और अगर फ्यूचर में आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो मेरी नई वीडियोस आएंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, तब तक डोंट वॉश हार्ड, वॉश स्मार्ट।